गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम एक तरीके से इल्यूमिनेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो होता है हमारा सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि हमारे लाइट के सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे उनको हम देखते हैं रियल लाइफ में, क्या उनकी वैल्यूज होती हैं, क्या उनकी कंस्ट्रक्शन होती है, वो सारी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ लाइट कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, क्या हैं। तो लाइट के बारे में जैसा कि सभी जानते हैं, प्रकाश है ना, लाइट मतलब प्रकाश है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होता है, यानी कि हमें हेल्प करता है जिससे हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे। तो ठीक है, लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो लाइट के सोर्सेस होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है नेचुरल सोर्स और दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल सोर्स। तो दो हमारे लाइट के सोर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी हमारे हैं, एक है नेचुरल सोर्स और दूसरा आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सोर्स मीन जो हमें प्राकृतिक रूप में मिले हुए हैं, उन्हें हम ना तो चेंज कर सकते हैं ना उन्हें बदल सकते हैं, जबकि आर्टिफिशियल जिनको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो नेचुरल सोर्स के बारे में हम अगर हम देखें तो तीन हमारे नेचुरल सोर्स हैं लाइट के लिए, प्रकाश के लिए, सन, मून एंड स्टार। ठीक है, सन, मून एंड स्टार। सन हमारा दिन के टाइम लाइट हमें देता है और जबकि मून और स्टार्स हमें रात के टाइम लाइट प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हुआ हमारा नेचुरल सोर्सेस। अब जब हमने लाइटिंग स्कीम्स स्टडी की थी तो वहाँ पे भी हमने नेचुरल लाइटिंग स्कीम में पढ़ा था कि लाइट्स तो हमें नेचुरल सोर्सेस से मिल जाती है, ऐसा नहीं कि उनसे नहीं मिलती है, सफिशिएंट भी होती है, लेकिन दिन के टाइम में ज़्यादा सफिशिएंट होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो दिन के टाइम हमें नेचुरल लाइट बहुत अच्छी रहती है, सन की वजह से आपका हमेशा अच्छी लाइट मिलती है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जैसे रूम के अंदर या जहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा है, आपका बंद चीज़ों में आपका लाइट नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ तक लाइट पहुँचाने के लिए हम आर्टिफिशियल सोर्स का यूज करते हैं या हम आर्टिफिशियल सोर्स बनाते हैं या आर्टिफिशियल सोर्स आपके बने हुए हैं। अब आर्टिफिशियल सोर्स हमारे दो कैटेगरी में डिवाइड हुए, एक तो हुआ इलेक्ट्रिकल सोर्स, पहला जो हमारा आर्टिफिशियल का टाइप है वो इलेक्ट्रिकल सोर्स होगा, जबकि जो दूसरा हमारा आर्टिफिशियल सोर्स का टाइप है वो होगा हमारा नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स के बारे में हम पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स में आपका फ्यूल लैंप्स होते हैं जिनमें फ्यूल भर के हम लैंप्स को जलाते हैं, जैसे सॉलिड फ्यूल में आपका कैंडल आ जाएगा, सॉलिड फ्यूल में आपका कैंडल आ जाएगा, मोमबत्ती जलाते हैं तो वो आपका सॉलिड फ्यूल लैंप है। लिक्विड फ्यूल लैंप में आपका ऑयल आ जाएगा, है ना, मिट्टी का तेल भर के लैंप में तब उसको जलाते हैं, और गैसियस में आपका गैस यूज करके जो आपका जैसे जो चूल्हे वाली आपकी किचन की गैस होती है उसका यूज करके उसको हम जब कोई फंक्शन वगैरह होते हैं तो वो लाइट यूज कर लेते हैं। लेकिन ये सारे क्या हैं, हमारे पुराने सोर्सेस हैं, मतलब पहले यूज होते थे या अभी भी होते हैं, बट कम है, बहुत कम क्वान्टिटी है। पहले ज़्यादा यूज होते थे लेकिन अब आपका बहुत ही रेयर यूज होता है, या किसी स्पेशल जैसे कैंडल्स हैं कि दीपावली आ गई तो कैंडल्स जला ली हमने, या किसी का कोई मिस हैपनिंग हो गई है और उसको सांत्वना देनी है तो कैंडल जला के उसको हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्सेस हैं, कैंडल्स का यूज करके या हम ऑयल तेल डाल के मिट्टी के तेल में, है ना, डिबरी में या जो भी लैंप होते हैं उनमें डाल के
बट आजकल के टाइम में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले सोर्सेस हैं वो हमारे होते हैं इलेक्ट्रिकल सोर्सेस, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत यूजफुल है, एडवांटेजेस है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, पोल्यूशन कम होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसलिए ज़्यादा यूज होती है क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं बाकी अदर एनर्जी के मुकाबले। अब इलेक्ट्रिकल सोर्सेस से हम कौन कौन से लैंप यूज करते हैं या इलेक्ट्रिकल सोर्स की हेल्प से हम कौन कौन से लैंप जलाते हैं, तो इसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी हमारी हुई फिलामेंट लैंप, पहली कैटेगरी में हमारा फिलामेंट लैंप आएगा, यानी कि ऐसे लैंप, ऐसे आपके लाइट के सोर्स जिनमें फिलामेंट लगा होता है। दूसरा डिस्चार्ज लैंप, कोई फिलामेंट नहीं होता बट गैस डिस्चार्ज होती है, तो वो हमारे डिस्चार्ज लैंप होते हैं। और तीसरा हमारा एलईडी लैंप, लाइट एमिटिंग डायोड लैंप। तो तीन हमारे हो गए, फिलामेंट, डिस्चार्ज और एलईडी। अब इन तीनों में आपका क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले आपका फिलामेंट लैंप यूज होते थे, उसके बाद डिस्चार्ज लैंप आए, और अब आजकल के टाइम में हम एलईडी लैंप पर घूम रहे हैं। तो एक सीरियल आपका है कि फिलामेंट लैंप की एफिशिएंसी बहुत कम होती थी लेकिन उस टाइम वही अवेलेबल था तो हमने वही यूज किया, फिर डिस्चार्ज लैंप हमारे आ गए, और उसके बाद अब एलईडी लैंप जो बहुत ही एफिशिएंट और अच्छी क्वालिटी के, कम आपके स्पेस लेते हैं, ये सारे क्या हमारे एलईडी लैंप्स में आ जाते हैं। तो तीनों की अपनी अपनी क्वालिटी है, अपने अपना यूज है, वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे ये सब इनके बारे में आप देखते ही हो, सबने ज़्यादातर देखे होंगे या यूज किए होंगे, मैं एक केवल इनका ब्रीफ आपका रिव्यू बताऊंगा थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में कि कैसे होते हैं ये, क्या इनमें आपकी प्रॉपर्टी होती हैं। अब जो फिलामेंट लैम्प में दो टाइप के फिलामेंट यूज करते हैं हम, एक तो होता है इनकैंडेसेंट लैम्प, सिंपली इसको कहें बल्ब। जो पहला आपका है इनकैंडेसेंट लैम्प मींस आपका एक बल्ब जो है सिंपली वो आपका इनकैंडेसेंट लैम्प होता है, जो बहुत ही ज़्यादा यूज होता था पहले टाइम में जब थॉमस अल्वा एडिसन ने इसका इन्वेंशन किया था, लेकिन आजकल के टाइम में ये बहुत ही रेयर हो गया है। दूसरा फिलामेंट होता है हैलोजन लैम्प, जो बहुत अच्छी लाइट के लिए यूज करते हैं, जैसे आपका स्ट्रीट लाइट होती हैं वहाँ पे हम हैलोजन लैम्प को देख सकते हैं, जहाँ पे हमें अच्छी लाइट चाहिए, बिल्कुल चमकदार लाइट चाहिए, तो वहाँ पे हम हैलोजन लैम्प यूज करते हैं। तो फिलामेंट में ये दो ही टाइप होते हैं। डिस्चार्ज लैम्प में आपके ये चार कैटेगरी हैं, और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम यही हैं, लेकिन जो बेसिक बेसिक यूज होने वाले लैम्प हैं, बेसिक बेसिक सोर्सेस हैं, वो हमारे ये होते हैं। सबसे पहले फ्लोरोसेंट ट्यूब लैम्प, जो ट्यूबलाइट जिसको बोलते हैं, डिस्चार्ज लैम्प हमारा होता था, ट्यूबलाइट लगा के हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते थे एज अ लाइट सोर्स। फिर CFL आ गई, कॉम्पैक्ट कर दिया हमने, ट्यूबलाइट को कॉम्पैक्ट कर दिया। प्रोसीजर जो फ्लोरोसेंट ट्यूब का है, जो ट्यूबलाइट का है, सेम फंक्शन आपका CFL का है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब का, बट आपकी उसकी जो साइज है वो कम हो गया, बाकी सारी चीज़ें सेम प्रोसीजर है, सेम वर्किंग है कि गैस को हमें डिस्चार्ज करना होता है, एक हाई वोल्टेज को स्टार्टिंग में देके हमें उसको चार्जेस को मूव करना होता है। फिर आपके मरकरी वेपर लैंप आए, सोडियम वेपर लैंप आ गए, आर्क लैंप आ गए हैं, तो हमारे पास बहुत सारे कैटेगरी आ गई डिस्चार्ज लैंप की, जिसमें हम गैसियस को डिस्चार्ज करते थे या करते हैं। ये सारा हमारा है एक तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल सोर्सेस के टाइप्स में। अब तीसरा हमारा होता है एलईडी लैंप्स, ठीक है। एलईडी लैंप्स आपके सभी जानते हैं आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले लैंप हमारे हैं, तो हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला हमारा है, एक बार मैं रिव्यू कर देता हूँ सभी को, जिससे एक हमें आइडिया मिल जाए कि आपका सोर्स जो है लाइट के वो कौन कौन से होते हैं। तो हमने अभी तक इतना पढ़ा कि जो लाइट के सोर्सेस हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल सोर्स और दूसरा हमारा
आर्टिफिशियल सोर्स, ठीक है, नेचुरल सोर्स आपके हो गए और दूसरा हमारा हो जाएगा आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सोर्स में हमारे सन मून स्टार्स आते हैं, मतलब सूर्य चंद्रमा और तारे जब तक लाइफ है तब तक आपके लिए अवेलेबल हैं, हमें लाइट देते रहेंगे। बट आर्टिफिशियल की हमें नीड हुई क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रात में लाइट हमें कम मिलती है, जब हमें ज़रूरत है तब नहीं मिल पाती है, अंधेरा हो रहा है कमरे में तो लाइट चाहिए हमें, तो उसके लिए हमने आर्टिफिशियल सोर्सेस बनाए। आर्टिफिशियल सोर्सेस में हमने नॉन इलेक्ट्रिकल पहले यूज किए, जब तक हमारी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं थी तब तक हम नॉन इलेक्ट्रिकल, चाहे कैंडल यूज करें, मोमबत्ती यूज किए करें, दिया यूज करें, ठीक है, या आपका ऑयल लैंप यूज करें या गैस लैंप यूज करें। अब जब इलेक्ट्रिसिटी आपकी बननी शुरू हुई तो हमारे नए नए इन्वेंशन शुरू हो गए कि इलेक्ट्रिसिटी के एडवांटेज बहुत सारे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, तो उसके लिए हम अलग अलग टाइप के लैंप पे हमने इन्वेंशन करना शुरू कर दिया। उसमें हमारे ये आए फिलामेंट लैंप हो गया सबसे पहले, फिर आपका डिस्चार्ज लैंप हो गया आपका, उसके बाद एलईडी लैंप हो गए। फिलामेंट में इनकैंडेंसेंट लैंप और हैलोजन लैंप हुए, डिस्चार्ज में हमारे सीएफएल, पहले ट्यूबलाइट आई, फिर आपका सीएफएल आ गया, मरकरी लैंप हो गए, सोडियम लैंप हो गए, आर्क लैंप हो गए और हमारा एलईडी लैंप हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो आर्टिफिशियल लाइट में सोर्सेस यूज होते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं कि आपका एक तो इनकैंडेंसेंट लैंप होगा, फिर हैलोजन लैंप आया हमारा, फिर ट्यूबलाइट आ गई, फिर सीएफएल आपका आ गया एक सीरियल से, मरकरी लैंप, सोडियम लैंप और आजकल के टाइम में जो लेटेस्ट चल रहा है हमारा वो एलईडी लैंप चल रहा है। तो ये चीज़ आपको बस एक ब्रीफ मैंने बता दिया यहाँ पे कि सबसे पहले इनकैंडेंसेंट लैंप थे, मतलब बल्ब थे सिंपली आपके, फिर हैलोजन लैंप आए हमारे, फिर ट्यूबलाइट आ गई, सीएफएल, मरकरी लैंप, सोडियम लैंप और एलईडी। इनमें बेसिक बेसिक डिफरेंस होता है, बाकी सबका पर्पज एक ही है कि हमें लाइट को प्रोवाइड करना है। अब कितने अच्छे से, कितनी एफिशिएंसी से हम लाइट प्रोवाइड कर सकते हैं वो हमारा हो जाता है एक उसमें इन्वेंशन कि हम लेटेस्ट में कौन कौन से लाइट सोर्सेस के ऊपर आपका काम करते चले जा रहे हैं। अब एक एक मैं इसमें बता देता हूँ कि जो भी आपके फिलामेंट लैंप होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो वो सब आप एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं, हाई रेजिस्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, उसका वर्किंग टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशेंट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो इस टाइप से क्या आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपका जल्दी ख़राब ना हो जाए, उसके लिए आपकी सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ का मतलब आपके लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए, डक्टाइल आपका होना चाहिए मटेरियल। तो इन सब के रिगार्डिंग क्या हुआ आपका, हमने जो फिलामेंट यूज किया वो यूज किया टंगस्टन। बहुत सारे आपके मटेरियल हैं जो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फिलामेंट है वो आपका टंगस्टन का होता है, क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज सूट करती हैं एक अच्छी इलेक्ट्रिकल लाइट के लिए। अब फिलामेंट आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे एक आपका सिंगल वायर हो गया, दो साइज के लैंप में लगता है, फिर आपका सिंगल कोयल्ड आपका वायर मतलब वाइंडिंग टाइप का बना दिया हमने, हाई आपका हो गया, फिर डबल साइडेड आपका जो मीडियम साइज के लैंप में यूज करते हैं। तो सभी लैंपों में हम जो फिलामेंट यूज करते हैं वो टंगस्टन का ही करते हैं, बट उनके जो आपके कंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग हो जाती है जैसी हमें रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद एक डायग्राम है बेसिक सा आपका, ये सबने देखा हुआ होगा ही, बल्ब का स्ट्रक्चर है, ठीक है, सबने इसको पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ते हैं सब, स्टार्टिंग में ही 8th 9th 10th में आ जाता है, 10th में तो सभी पढ़ लेते हैं कि बल्ब का डायग्राम बनाना है। बल्ब में आपका क्या होगा, सबसे पहले एक ग्लास ट्यूब होती है जो बाहर आपकी होती है, सबसे ऊपर ग्लास ट्यूब होती है और उस ग्लास ट्यूब के अंदर वैक्यूम या इनर्ट गैस भरी होती है, एक्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें भरी होती हैं, ठीक है। फिर आपका एक फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, और उससे दो कॉन्टैक्ट निकले रहते हैं जो आपका टॉप पे आपका बिल्कुल यहाँ पे
इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट आपके आ जाते हैं, और जब हम इनमें सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं तो आपका करंट निकलती है, करंट फ्लो होती है, और उससे आपका जो अंदर वैक्यूम भरी हुई है वो हमें एज अ लाइट के रूप में दिखाई देती है। तो ये आपका होता है बल्ब का स्ट्रक्चर। अब बल्ब में आपके क्या हुए, कुछ इसके एडवांटेज हुए, कुछ डिसएडवांटेज थे, ये भी अपने सामने देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं कि सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है आपके, कि एक तो ये सस्ता बहुत होता है, जो हमारा फिलामेंट लैंप हुआ ये आपका सस्ता बहुत होता है। उसके बाद आपका अलग अलग कलर्स में ये अवेलेबल है, तो ये आपने सभी ने देखे होंगे। ठीक है, तो एडवांटेज में आपने देखा होगा सबने कि जो हमारा लैम्प बल्ब है, बल्ब बहुत सस्ता होता है, छोटा सा मतलब सिंपल साइज में मिल जाता है, सर्किट बहुत सिंपल होता है, तुरंत लाइट देता है, सप्लाई में लगाते ही लाइट में मिल जाती है, मेंटेनेंस फिर बहुत कम होती है, किसी भी पोजीशन में लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, और हर जगह इसका यूज होता था, रेजिडेंस में, शॉप में, ऑफिस में, रोड्स में, फोर वे हो, इंस्टीट्यूट हो, सिनेमा हॉल हो, ट्रेन हो, ट्रक हो, बस हो, मतलब हम ज़्यादातर हर जगह बल्ब का ही यूज करते थे, और इसका मैक्सिमम इंडोर लाइटिंग स्कीम्स के लिए हम यूज किया करते थे। तो ये सब क्या है हमारा डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट है। मैं एक बार ओवरव्यू कर देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं कि जो आपकी समझ में ना आए, आप सीधा सीधा पढ़ के उसको समझ सकते हैं। फिर आपके हेलोजन लैम्प आए, तो हेलोजन लैम्प का काम क्या हुआ आपका, कि फिलामेंट लैम्प की एफिशिएंसी और लाइफ बढ़ाने के लिए, ये मेन चीज़ इसमें है, क्योंकि बल्ब की लाइफ कम होती है, तो हम क्या करते हैं उसकी लाइफ और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आर्गन गैस के साथ हेलोजन गैस मिला देते हैं, जिससे हमारा उसका ऑक्सीडेशन कम होता है और हमारे लैम्प की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सिंपल सा आपका चेंज इतना ही होता है आपका। तो ये हमारा हेलोजन लैम्प हो जाता है, और इसकी पावर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और 1000 वाट तक इसका हम यूज कर सकते हैं। पब्लिक हॉल्स में जो एप्लीकेशन है इसका, स्पोर्ट्स हॉल, प्लेग्राउंड, स्टूडियो, थिएटर, गार्डन, पार्क्स, एयरपोर्ट, फैक्ट्रीज, व्हीकल पार्किंग, स्टेशन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इन सब में हम हेलोजन लैंप्स का यूज करते हैं। उसके बाद फिर मरकरी वेपर लैंप आए हमारे, ठीक है। तो मरकरी वेपर लैंप में आपका हमने आर्गन के साथ मरकरी यूज की, हेलोजन लैंप में हमने आपका हेलोजन यूज किया था आर्गन के साथ, मतलब निष्क्रिय गैसों के साथ। मरकरी में हमने यहाँ पे मरकरी गैस यूज की आर्गन के साथ। तो जैसी जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारी कंडीशंस है इसकी, जैसे एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, लाइफ अच्छी होती है, बट इसमें जो टाइम है वो होता है ऑन ऑफ टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि आयोनाइजेशन जब तक नहीं होता है आपका, जो भी हमारी गैस भरी हुई है, तब तक वो डिवाइस आपकी स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए जहाँ पे हमारा आउटडोर लाइटिंग स्कीम्स होती हैं, वहाँ पे हम मरकरी लैंप वगैरह यूज कर लेते हैं। अब मरकरी के साथ आपका एक अलग से हमें लाइटिंग स्कीम ज़रूर चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग होने में 10 मिनट लगेंगे आपके, 5 से 10 मिनट, तो तब तक हमें एक आर्टिफिशियल कोई साथ में सपोर्टिंग लाइट भी चाहिए होती है। फिर मरकरी के बाद आपका सोडियम आ गया, तो सोडियम में क्या है आपका, चोक यूज ना किए हमने, उसका सोडियम गैस यूज कर ली है, तो हीट लॉस आपका इसमें कम होता है, बाकी में आपका हीट लॉस ज़्यादा होता है। तो सबका अपना अपना एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, प्रॉपर्टी, जैसे उसकी येलो लाइट में आपको मिलती है, सोडियम इसमें होता है, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, लो वैल्यूज में आपका अवेलेबल है, कहीं भी फिट कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है स्टार्ट होने में आपका, और कोल्ड स्टोरेज में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ठंडी मतलब सुनहरी लाइट चाहिए, आपका हल्की लाइट चाहिए, ज़्यादा आपको ब्राइटनेस नहीं चाहिए। तो जैसी कंडीशंस है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग सिस्टम यूज करते हैं, अलग अलग टाइप की लाइट्स यूज करते हैं। अब बात जब हमने की ट्यूबलाइट की, तो ये आपका फिर ट्यूबलाइट का इन्वेंशन हुआ, घरों में आपका
ऑफिसेस में या क्लासरूम्स में, तो इन सब में आपका ज़्यादातर आज भी ट्यूबलाइट्स भी यूज होती हैं, जिसमें हम गैस का डिस्चार्ज करते हैं। सिंपली एक चोक कोयल होती है आपकी, एक स्टार्टर लगा होता है और इसमें आपका ट्यूब में गैस भरी होती है। जब चोक में आपका वोल्टेज सफिशेंट हो जाता है तो एक ब्लास्ट होता है, जिससे ये आयंस आपके एक प्लेस से दूसरे प्लेस से मूव करने लगते हैं और वो हमें लाइट के रूप में दिखाई देते हैं। इस तरह से हम ट्यूबलाइट का यूज़ करते हैं। CFL में इसको हमने कॉम्पैक्ट कर दिया। सेम वर्किंग है, जो हमारी ट्यूबलाइट की वर्किंग होती है वही आपकी CFL की होती है। एप्लीकेशन फिर से वही ऑफिसेज में, क्लासरूम्स में, होम्स में, शॉप्स में, कैफेटेरिया में आपका एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ये सब चीज़ें क्या आपकी मतलब कॉमन कॉमन चीज़ें हैं। और आजकल के टाइम में हमारा LED लैंप्स आ गए, तो LED लैंप आने से क्या हुआ, हमारा बहुत ही ज़्यादा इन्वेंशन हुआ लाइट के कंपेरिजन में। छोटे छोटे वाटेज में लाइट मिलने लगी, 3 वाट की, 5 वाट की, 7 वाट की, जो अभी तक हमें आज तक नहीं मिल पाई थी, वो आपका 3 वाट में लाइट आ गई और उसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा मिल रही है हमें। 3 वाट की लाइट भी आपका पूरे रूम को अच्छे से ब्राइटनेस प्रोवाइड करा सकती है, इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करा सकती है, तो वो LED लैम्प की हेल्प से ही हो पाया है। ठीक है, उसमें आपका बहुत अच्छी ब्राइटनेस मिलती है, लॉन्ग लाइफ होती है, भरोसेमंद है, रिलायबल है, अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है। जहाँ भी देखो आपका इंडोर लाइटिंग, आउटडोर लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल लाइटिंग, हर जगह LED लैंप्स आजकल यूज हो रहे हैं, LED लाइट्स यूज हो रही हैं। कोई भी त्यौहार आपका आता है, सपोज दीपावली आ गया, तो सारे में आपका LED लाइट्स ही चमकती हैं। पहले बल्ब लगा देते बड़े बड़े, वो 15 वाट के, 0 वाट के बल्ब आते थे, कॉस्ट ज़्यादा होती थी लेकिन उनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती थी, पावर ज़्यादा कंज्यूम करते थे लेकिन ब्राइटनेस कम देते थे। तो इस तरह से हमारा अलग अलग प्रकार की फिर इन्वेंशन होते रहे, तो अलग अलग टाइप के हमारे सोर्सेज ऑफ लाइट बनते चले गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक देखा है तो थियोरेटिकल पार्ट है आपका, तो ज़्यादा इसमें चीज़ें आपको इस तरह से रटनी है, पढ़नी है, बस हमें पता होना चाहिए कि आपका बल्ब से शुरू हुए थे हम, बल्ब से शुरू होने के बाद हैलोजन लैंप पे, फिर आपका ट्यूबलाइट पे आ गए, CFL पे आ गए, और हम आज के टाइम में LED लैंप्स में काम कर रहे हैं और LED लाइट्स आपकी बहुत ज़्यादा यूज हो रही हैं। ठीक है, तो आज ये आपका था कि कौन कौन से सोर्सेस होते हैं लाइट के, वो हमने स्टडी किए। इसकी PDF आप पहले ही देख चुके हैं, मेरे पास नोट्स आपने बना लिए होंगे, तो उनको पढ़िए, और आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के लिए तैयारी कर लीजिएगा सभी। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।